जी हाँ दोस्तों, बाइक चालकों के लिए बड़ी ही अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अब सरकार देगी एक एक हेलमेट बिल्कुल फ्री, और वो भी कोई लोकल या ऐसा वैसा हेलमेट नहीं है दोस्तों, बिल्कुल ISI मार्क वाला ब्रांडेड कंपनी का हेलमेट आपको दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। लेकिन अब यहाँ पर कुछ सवाल पैदा होते हैं कि आखिर किन लोगों को ये हेलमेट फ्री मिलेगा। अगर आपके भी घर में बाइक मोटरसाइकिल वगैरह है तो आपको मिलेगा या नहीं, और इसके अलावा इस हेलमेट को फ्री में लेने के लिए आपको क्या एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, किस तरह से आप भी सरकार की इस नई स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, कौन सी सरकार ने ये नई स्कीम निकाली है, तो आपके इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस छोटे से वीडियो में मिलने वाला है। बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दरअसल आपको पता होगा दोस्तों, अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती है ना मोटरसाइकिल बाइक पर चलते वक्त, तो ऐसे में बाइक सवार को हादसे में जान जाने की संभावना रहती है, राइट। और अगर हेलमेट लगाए हुए हो बाइक सवार तो ऐसे में उसके बचने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक राज्य सरकार ने, जी हाँ ध्यान से समझिएगा, ये केंद्र सरकार की स्कीम नहीं है, यानी कि पूरे देश की स्कीम नहीं है, पर्टिकुलर एक स्टेट के लिए स्कीम है। राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब बाइक मोटरसाइकिल स्कूटर वगैरह ये कुछ भी अगर आप नया खरीदते हैं तो डीलर्स आपको उनके साथ में एक हेलमेट बिल्कुल फ्री में देंगे। इसको लेकर दोस्तों सरकार ने ऑटोमोबाइल डीलरों के साथ में एक बैठक भी की, और बैठक में ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारी और परिवहन विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। हालांकि कुछ डीलर्स का ये भी कहना है कि पहले से मुनाफा नहीं मिलता है और फ्री में हेलमेट कैसे दें, सरकार टैक्स माफ करे वगैरह वगैरह। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, राजस्थान राज्य की सरकार ने अशोक गहलोत जो कि राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि कोई भी मोटरसाइकिल स्कूटर वगैरह कोई भी दुपहिया वाहन खरीदने वाले व्यक्ति को संबंधित कंपनी की तरफ से मुफ्त में हेलमेट देना होगा। चाहे आप हीरो की बाइक खरीदो, बजाज, TVS, किसी भी कंपनी की बाइक खरीदोगे तो वो कंपनी आपको बिल्कुल फ्री में हेलमेट देगी। राज्य की गहलोत सरकार ने वाहन निर्माता कंपनियों के लिए यह नियम अनिवार्य कर दिया और 1 अप्रैल 2020 से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। 1 अप्रैल 2020 से अगर आप राजस्थान राज्य में कोई भी नई बाइक मोटरसाइकिल वगैरह खरीदते हो तो आपको बिल्कुल फ्री में हेलमेट मिलेगा। अभी तक इसका फायदा केवल राजस्थान राज्य के लोगों को मिलेगा, क्योंकि ये केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की स्कीम नहीं है, ठीक है, राज्य सरकार की स्कीम है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यह स्कीम सही है? वाकई में मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी स्कीम है। केंद्र सरकार को भी, PM मोदी गवर्नमेंट को भी ये स्कीम पूरे देश में लागू करनी चाहिए, ताकि बाइक खरीदते समय ही हेलमेट खरीद लिया जाए तो लोगों की सुरक्षा के लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। सरकार कई सारे नए ट्रैफिक रूल्स तो बनाती है, एक ऐसा नियम भी बनाना चाहिए, राइट। तो ये छोटा सा अपडेट था, मैंने सोचा अपने दोस्तों भाई मित्र के साथ में जरूर शेयर कर दूं। वैसे दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर आपके राज्य सरकार की तरफ से या आपकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई नई स्कीम, नया नियम वगैरह अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत DLS न्यूज के ऊपर शेयर कर दूंगा। इस वीडियो को फिलहाल लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।